खास भूमि पर निवास 214 लोगों को निर्धारित टैक्स जमा करने का नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद प्रभावित लोगों में हड़कंप मच गया और सभी प्रभावित लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही नगर पालिका पहुंचकर अध्यक्ष से निर्धारित टैक्स माफ करने की अपील भी मौके पर की। लोगों ने कहा है कि वह सालों से अपनी जमीन पर निवासरत है और किसी तरह मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अचानक टैक्स का नोटिस आ जाने से उनकी मुसीबत खड़ी हो गई है। तहसीलदार सर के है वे लागा था एमन बेगे है वे नोटिस तहसीलदार सर मन है 8000 पटाना करके और कच्चा मकान को तोड़ा जाएगा इसर इस में लिखा है। कब से रह रहे हो आप वहाँ? 40 साल हो गए सर। नहीं सर, हम तो नहीं पटा सकन का बंद में तो एक जो कमाने वाला नहीं है, मोर गोड़ अपंगा है, मोर आदमी मंधुआ है। मैं सीधा बताता हूँ, कहीं भी बुला ही सरकार में चल दो, चाहे मार दे चाहे रखे, समय एक तो खोली में उसने देवो 8 साल 30 10 साल तो हम मर नहीं गए। हम तो 40-50 साल हो। 2200 पटाना है। हाँ, और नान चांद झोपड़ी है। अब धूप नहीं नहीं सको सर, मोर तो खोरी लांगड़ी आदमी रेंग नहीं सको, मैं कनो कर जा नहीं सको। तीन निराशी भरोसा जिया तू निराशी। 214 लोग जिसमें से पात्र और अपात्र लोग थे, तो जिसमें जो जितने पात्र थे उनको हम लोगों ने नोटिस डिमांड लेटर भेजा था, तो उनको भू मतलब पैसा जमा करना पड़ेगा, वो 30 साल के लिए पट्टा मिलेगा। तो जो शासन का निर्देश था उसके हिसाब से हम लोग डिमांड लेटर भेजे थे। बाढ़ से उमरैठ की ओर जा रही एक वैन अनियंत्रित होकर पलट